शिकवा अपने हाल पर अदम रजा की दलील है। शिकवा करने वाले इंसान का भरम बाकी नहीं रहता, वो अपनी नजर से भी गिर जाता है और दूसरों की निगाह में भी जी एहतराम नहीं रहता। शिकवा शिकोह से महरूम कर देता है। शिकवा करने से इज्जत नफ्स जाती रहती है। शिकायत करने से शिकायत दूर नहीं होती और बंदा बंदे से दूर हो जाता है। नोके जबान पर हमा वक्त शिकायत रखने वाला बजबे दोस्तां से महरूम हो जाता है। शाकी जबान को मुश्ताक समाते कहां से मुयस्सर हों। गिला शिकवा करने वाला शख्स खालिक और मखलूक दोनों की नजर में नापसंदीदा ठहरता है। शिकवा शुक्र का मुतजात है। इंसान का शुक्रिया और खालिक का शुक्र अदा करने वाला मसनदे इज्जो शर्फ पे जगह पाता है। शिकवा करने वाला आमी ही रहता है, हजार हा इल्मो हुनर रखने के बावजूद।